नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं बिग्रो म्यूजिक सीरीज। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेके आया हूं। इसमें मैं आप लोगों को वाइब ऑडियो की जो मिड है, मैंने 2-3 बार शायद आप लोगों को दिखाई है, तो आज भी एक बार इसकी थोड़ी सी अनबॉक्सिंग करके देखते हैं और उसकी मैं आपको क्वालिटी सुनाऊंगा। परफॉर्मेंस तो देखो पूरी नहीं सुना पाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि परफॉर्मेंस के लिए तो भाई काफ़ी दूर खड़ा होना पड़ेगा, तब जाके मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से इसकी परफॉर्मेंस को सुना सकता हूँ। तो यहाँ पे तो मैं आपको सिर्फ हल्की फुल्की इसकी क्वालिटी ही सुनाऊंगा कि किस टाइप की ये बजती है। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो थोड़ी सी हाइज भी हैं इसके अंदर, क्रिस्पी भी अच्छी खासी बज जाती है, थोड़ी सी क्रिस्पी भी बजती है। वोकल नीट एंड क्लीन है, जिसको बोल सकते हैं कि वोकल ज़्यादातर ध्यान वोकल की तरफ ही रहता है लोगों का। तो वोकल की अगर जो मैं बात करूँ तो नीट एंड क्लीन है। शायद आप लोगों को थोड़ा बहुत सुन भी जाए। अभी मैं हल्की फुल्की परफॉर्मेंस इसकी दिखाऊंगा। अगर जो प्राइस की बात करें तो प्राइस मैंने आप लोगों को पिछले वाली वीडियोस में बताया हुआ है। ये जो भी होगा, अभी मेरे को सही बताऊं तो ढंग से याद नहीं है, तो एक बार आप चेक कर लेना वीडियो में कि पूरा पूरा क्या प्राइस था इसका, तो वहाँ पे जाके दूसरी वीडियोस में आप पता कर सकते हो। और अगर जो हम बात करें इसकी पावर की, तो पावर मैंने पहले भी बताई हुई है, 170 वाट RMS पर मिड की इसकी पावर है, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। जैसे कि आपकी गाड़ी में 50-50 वाट के 4 स्पीकर लगे हैं, टोटल वो हो गए 200 वाट के। ठीक है, 4 स्पीकर 200 वाट के हैं, ये अकेली मिड 170 वाट की है। कहने का मतलब ये 3 स्पीकर के बराबर पावर लेके आपको आउटपुट दे सकती है। ये चीज़ कहना चाहता हूँ मैं, तो आप लोग भी इस चीज़ को थोड़ा सा समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को। तो जैसा कि ये जो बॉक्स आता है पूरा, मैं मंगाता हूँ इस बॉक्स को, वो 4 का ही होता है। तो इसके अंदर 4 डोर के अंदर ये 4 अगर मिड लग जाए तो काफ़ी है ये। अगर सच बताऊं तो अगर जो आपने डोर खोल के कहीं पे बजा दिया तो डीजे से कम आपकी गाड़ी नहीं बजने वाली। ये समझ लो कि एक डीजे की तरह ही ये चीज़ चलने वाली है। जैसे आउटडोर में आप ट्रैक्टर पे यूज़ करते हो, ठीक है, उसके लिए मिड बहुत ज़रूरी हो जाती है कि आपको एक बहुत ज़्यादा लाउड सिस्टम बनाना है अपना, तो ये मिड वगैरह आप लोग यूज़ कर सकते हो। मैं ज़रूरी नहीं कहता कि वाइब की ही यूज़ करो, काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो कि मिड बनाती हैं, तो उनकी मिड भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। और अगर जो स्पेशली इस मिड की बात करूं तो इस मिड का टेस्ट मेरे को थोड़ा सा ठीक लगा है। ट्रेवल भी अच्छी खासी है, हाइज की अगर जो बात करें तो अच्छी खासी है। मैं ये नहीं बोलता कि ख़त्म है, हल्की फुल्की इसके अंदर, जो कि सुनने में ठीक लगती है। अगर जो ट्विटर ऐड करना है तो ट्विटर भी कर सकते हो इसके ऊपर ऐड अप। तो चलिए एक बार इसकी परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि कैसी ये बजती है। 4 ओम की ये हमारी मिड है, 6 इंच की ये हमारी मिड होती है। तो चलिए एक बार परफॉर्मेंस देख लेते हैं इसकी। तो दोस्तों, परफॉर्मेंस तो आपने देख ही ली है। इसके बाद अब स्पेसिफिकेशन की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं इसकी तरफ। और इसको बताने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों ने वीडियो में नोट किया होगा कहीं पे आवाज़ ज़्यादा है कहीं पे आवाज़ कम है। तो स्टार्टिंग की जो है, स्टार्टिंग में जब वीडियो शुरू करता हूँ मैं, तब बिल्कुल नॉर्मल सी आवाज़ पे सुनाता हूँ आपको, ताकि आप लोगों को टेस्ट पता लगे। फिर उसके बाद फुल वॉल्यूम कर रहा हूँ मैं, ताकि आप लोगों को लाउडनेस पता लगे। तो ये इसकी स्पेसिफिकेशन थी, मैंने आप लोगों को दिखा दी है। जिन लोगों ने नहीं देखी तो स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो।
उसके बाद अगर जो हम इसके प्राइस की बात करें तो जो इसका प्राइस है आप लोगों को शायद दिखाई ना दे, मैं अभी एक बार दिखा देता हूँ। एमआरपी की अगर जो बात करें तो 8,990 रुपये टोटल, मान के चलो 9,000 रुपये एक पीस की इसकी एमआरपी है। एक पीस जो है इसका वो है 8,990 रुपये का, सिर्फ एक। कभी आप पेयर में सोचो, क्योंकि ज़्यादातर ये पेयर में मिलती हैं, तो आप लोग ये मत सोचना कि पेयर है इसका 8,990 का। इसका सिंगल पीस आपको 8,990 रुपये का पड़ने वाला है। इसके अलावा तो और कुछ नहीं बताना मुझे आप लोगों को, यही है इसकी वीडियो में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बाकी एक बार दोबारा से चेक कर लो इसकी क्वालिटी जो है वो कैसी है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करना, बुरी लगे तो डिसलाइक करना। जो मेरे नए भाई हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। बाय।